अमेरिका में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम की सफलता का असर दिखने लगा है। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में और अधिक मजबूती आ रही है। इसकी ताजा मिसाल है द्विपक्षीय रक्षा व्यापार, जिसकी घोषणा पेंटागन ने की है। आइए देखते हैं क्या है घोषणा। भारत और अमेरिका के बीच नौवीं डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव यानी DTTI की बैठक अगले सप्ताह होनी है, जिसके पहले पेंटागन ने कहा है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा व्यापार इस वर्ष के अंत तक 18 बिलियन यूएसडी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। अमेरिका के डिफेंस अंडर सेक्रेटरी एलन एम लॉर्ड ने कहा है कि अमेरिका सैन्य से सैन्य संबंधों और सहयोग को आगे बढ़ाते हुए भारत के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पेंटागन में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, द्विपक्षीय रक्षा व्यापार 2008 में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इस वर्ष के अंत तक अनुमानित 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। लॉर्ड नई दिल्ली में अगले सप्ताह नौवे डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव की सह रक्षा सचिव अपूर्वा चंद्रा के साथ सह अध्यक्ष बैठक करने के लिए आएंगे। उन्होंने इस दौरान कहा कि जैसे अमेरिका रक्षा विभाग DTTI के लिए रहता है, वैसे ही वे अपने भारतीय प्रमुख रक्षा साझेदार के साथ काम जारी रखने के लिए उत्साहित हैं। अमेरिका ने भारत को पिछले साल अगस्त में स्ट्रेटेजिक ट्रेन अथॉरिटी टियर 1 का दर्जा दिया था। इसके अलावा अमेरिका को भारत की तरफ से वही दर्जा मिला है जो नाटो के साथ ही जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी मिला हुआ है। इस वर्ष जून में अमेरिकी संसद की तरफ से एक बिल पास हुआ था और इस बिल में भारत को अमेरिका के नाटो साझेदारी देश और इजराइल, साउथ कोरिया वाले देशों की श्रेणी में रखा गया था, जिनसे आने वाले वर्षों में रक्षा सहयोग को बढ़ाया जाना है। पिछले ही साल भारत ने अमेरिका से 24 मल्टी रोल MH-60 रोमियो एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स की मांग की थी। हेलीकॉप्टर की अनुमानित कीमत $2 बिलियन है। विशेषज्ञों का कहना था कि भारत को पिछले एक दशक से इस खास हेलीकॉप्टर की जरूरत थी। पिछले दिनों सिंगापुर में सम्मेलन से इतर पीएम मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस की सफल मुलाकात के बाद इस मामले से जुड़े लोगों ने कहा था कि कुछ महीनों में डील फाइनल होने की उम्मीद है। आपने देखा कि पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से जहां एक तरफ भारत और अमेरिका के रिश्तों में मजबूती आ रही है, वहीं आपसी रक्षा व्यापार जो 2008 तक बहुत कम था, अब 18 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। जाहिर है इससे भारत के रक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी और भारत की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।